Hello everyone, welcome to my channel Unfold Learning. Today I'm going to give you a short trick of memorizing algebraic identity. तो यहाँ पर मैंने कुछ identities लिखी हुई हैं. a square minus b square को अगर हमको factorize करना है तो हम इसको लिख सकते हैं a plus b and a minus b. Okay, so this was a simple one. अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है या क्यूब निकालना है इन वेरिएबल्स का, तो फॉर्मूला लिखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है. तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. जैसे कि मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, तो सबसे पहले जो आपके वेरिएबल्स का फॉर्मूला निकालने के लिए जो डिग्री दी रहती है उसमें हम प्लस वन करके नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे. जैसे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में हमारे पास यहां पर 2 प्लस वन दैट इज 3 टर्म्स आएंगे. ओके, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो होल क्यूब मतलब इसकी डिग्री है 3, तो यहां पर आपके पास आनी चाहिए 1, 2, 3, 4 टर्म्स. ओके, सो नाउ विल बी स्टार्टिंग अप विद द पास्कल ट्रायंगल. तो पास्कल ट्रायंगल आपके कोफिशियंट बताता है कि आपको हर टर्म के साथ क्या कोफिशियंट लेना है. तो सबसे पहले हम सीखेंगे पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाया जाता है. सो आई विल बी स्टार्टिंग अप विद 1. अब हम इसको एक बार और 1-1 करके कैटेगराइज करेंगे. अब हम लिखेंगे फिर से इसको बाय 1 and 1, और इन दोनों को हम ऐड करके इसका सेंटर नंबर लिख देंगे 2. अगेन इस ट्रायंगल को और हम बड़ा कर सकते हैं 1 plus 1. यहाँ पर हम इसको ऐड करके सेंटर में नंबर लिखेंगे 1 plus 2 is 3. अगेन 2 plus 1 is 3. आप चाहो तो और भी नंबर्स आप लिख सकते हैं, और भी टर्म्स आपको अगर निकालना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं. जैसे कि इसको हम फिर से एक्सपैंड कर देंगे 1 and 1. 1 plus 3 is 4, 3 plus 3 is 6, 3 plus 1 is again 4. तो आपको जितने टर्म के लिए कोफिशिएंट निकालना है उतना आप ये पास्कल ट्रायंगल बड़ा कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विथ a प्लस बी होल स्क्वायर. तो सबसे पहले हम इनके कोफिशिएंट निकालेंगे जो हमने पास्कल ट्रायंगल में देख लिया है. तीन टर्म के लिए हमारे पास है 1, 2 and 1. ओके, सो आई विल बी राइटिंग हियर 1, 2 and 1. अब हम इसके साइन पहले डिसाइड कर लें. दोनों वेरिएबल के सामने प्लस है, सो दोनों ही हमारे प्लस में ही साइन चलेंगे. तो पहला नंबर प्लस, सेकेंड प्लस, फिफ्थ फर्स्ट प्लस. तो अल्टरनेट जो हम पुट करेंगे साइन इसमें. अब हम फर्स्ट वेरिएबल देखेंगे a, जिसकी पावर हम लिखेंगे 2. तो a स्क्वायर यहां पे हो गया. फिर हम रिड्यूस करेंगे एक पावर को, a की पावर 1, देन a की पावर 0. नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है b. अब हम इस वेरिएबल को इस पावर के साथ, जैसे मैंने a के साथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है उसी तरीके से b के साथ आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन ये हम लिखेंगे पीछे से. लास्ट वेरिएबल, लास्ट टर्म के साथ हम स्टार्ट करेंगे. सो इट विल बी b स्क्वायर हियर, b टू द पावर 1 एंड b टू द पावर 0. सो हियर इज द फॉर्मूला रेडी फॉर यू. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद द 1 इज ऑल्सो द सेम नंबर. सो हियर वी विल गेट as a square plus 2ab plus b square. So this is the formula for a plus b whole square. Similarly for a minus b whole square. तो हमारे पास तीन variable आएंगे. तो सबसे पहले हम इनके coefficient लिख देते हैं, that is 1, 2 and 1. So here will be 1, 2 and 1. Now writing the power of a, that is a square, a to the power 1 and a to the power 0. Now for b, it is b square, b to the power 1 and b to the power 0. Now ab hum dekhenge isme sign kaise put karna hai. So first variable is positive,
सेकेंड वेरिएबल इज निगेटिव, तो ऑल्टरनेट हम साइन पुट करते जाएंगे. तो पहले वाले के लिए प्लस साइन किया, सेकेंड वाले के लिए निगेटिव, एंड देन अगेन प्लस. सो योर फॉर्मूला विल बिकम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट इज ए प्लस बी होल क्यूब. तो क्यूब के लिए हमारे पास फोर टर्म्स हैं, फोर टर्म्स के लिए चार कोफिशियंट्स हैं. सो आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग हियर 1, 3, 3 and 1. नाउ ए की पावर हाईएस्ट डिग्री जो यहां पर दी रहती है वो हम पुट करेंगे और फिर रिड्यूस करते जाएंगे. दैट इज ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए टू द पावर 1 एंड ए टू द पावर 0. नाउ फॉर बी वील बी राइटिंग फ्रॉम लास्ट टर्म, बी क्यूब, बी स्क्वायर, बी टू द पावर 1 एंड 0. नेक्स्ट प्लस प्लस, मतलब हर जो टर्म रहेगी उसके आगे हम प्लस लगाएंगे. सो दिस इज ऑलरेडी प्लस, देन प्लस, देन प्लस एंड देन प्लस. सो योर फॉर्मूला बिकम ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. था ना ये इजी. नाउ वील बी राइटिंग फॉर ए माइनस बी होल क्यूब. सो फिर से यहां पर 3 पावर है तो 4 टर्म होंगे, इनके कोफिशियंट रहेंगे 1, 3, 3 and 1. फॉर ए विल बी राइटिंग हियर एज ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए टू द पावर 1 एंड 0. फॉर बी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट टर्म, बी क्यूब, बी स्क्वायर, बी टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर 0. नाउ अबाउट द साइन, पहला वाला पॉजिटिव है फिर निगेटिव है. तो फर्स्ट पॉजिटिव, निगेटिव, then positive, then negative. Then your formula becomes a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. I hope आपको formula formulate करने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी. So इन दो formulas को और हम illustrate करके दो और identities निकाल सकते हैं. देखिए कैसे. जैसे हमने ये लिखा है a plus b whole cube is equal to a cube प्लस बी क्यूब प्लस 3ab. यहां से मैंने ab कॉमन ले लिया है और इन दोनों को साथ में लिख दिया है. यू विल बी लेफ्ट विथ a प्लस बी. सो टेकिंग दिस ऑन द अदर साइड यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब एज a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी. दिस इज द सिक्स्थ आइडेंटिटी. नेक्स्ट सिमिलरली अगर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab हमने कॉमन लिया. सो ए प्लस बी. सो आई एम टेकन दिस टुगेदर एंड इसमें से मैंने 3ab कॉमन निकाल दिया है. सो यू विल बी लेफ्ट विथ ए माइनस बी. सॉरी. सो यहां पर इस टर्म को हम इधर साइड ले जाएंगे ऑन दी RHS साइड. सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऑन दी LHS साइड एंड ए माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ए माइनस बी. सो दिस बिकम्स पॉजिटिव ऑन दी RHS साइड. सो दिस इज योर सेवेंथ आइडेंटिटी. सो हियर वी हैव लर्न 7 identities of algebraic expressions for factorization. I hope आपको मेरा ये video पसंद आया होगा. To support me, please do like and share my video and do subscribe my channel. आगे भी मैं और ऐसे ही नए short trick videos आपके लिए upload करती रहूँगी. Thank you.